नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, अगर आपने कोई चीकू प्लांट लगाया है जिसमें काफ़ी टाइम से फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं हो रही है, या फिर आप चीकू प्लांट लगाने भी वाले हैं और इस चीज़ को लेकर वरीड है कि इस प्लांट की केयर जो है आप कैसे करें, तो आज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको चीकू के प्लांट की केयर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आपके पास एक हेल्थी प्लांट रहेगा बल्कि इस प्लांट से आप फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी पूरी पूरी क्वांटिटी में ले पाएंगे। तो इससे पहले भी दोस्तों, मैंने इस प्लांट से रिलेटेड एक केयर वीडियो अपलोड किया था जिसको तकरीबन 18,000 लोग जो है ऑलरेडी देख चुके हैं और 200 से 250 लाइक उसमें, ये वीडियो जब तक मैं अपलोड कर रहा हूँ तब तक हो चुके हैं। लेकिन उस वीडियो में भी सबसे ज़्यादा जो कमेंट आई वो इसी तरह की कमेंट आई कि हमने एक चीकू का प्लांट लगाया है जिसमें कि 5 से 7 साल हो गए लेकिन कोई फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो इससे रिलेटेड कोई चीज़ आप हमें बताइए। तो आज का पूरा वीडियो जो है मैं सिर्फ आपको ऐसी केयर टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस प्लांट से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और साथ ही साथ एक हेल्थी चीकू का प्लांट भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर पाएंगे। आपने ये प्लांट कंटेनर में ग्रो किया हो या फिर ग्राउंड में ग्रो किया हो, जो मैं केयर टिप्स आपको बताऊँगा वो दोनों के लिए सेम ही रहेंगी। तो आपने अगर गमले में भी इस प्लांट को, चीकू के प्लांट को ग्रो किया है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हालांकि ये पेड़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने ग्राउंड में उगाया हुआ है, लेकिन जो मैं केयर टिप्स आपको बताऊँगा वो गमले के अंदर भी अगर आपका प्लांट है तो उसके लिए भी कॉमन ही रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो दोस्तों, चीकू का जो प्लांट है उसकी केयर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सनलाइट की। आप इस प्लांट को 6 से 8 घंटे सनलाइट मिल पाए ऐसी लोकेशन पर इस प्लांट को लगाइए। अगर इस प्लांट को 6 से 8 घंटे तक सनलाइट नहीं मिल पाती तो इसकी ना सिर्फ ग्रोथ रुक जाती है बल्कि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी धीरे धीरे कम हो जाती है और धीरे धीरे ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपने ग्राफ्टेड जो है चीकू का प्लांट लगाया है, ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ग्राफ्ट कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर ग्राउंड से ऊपर हो। और जब आप इसको फर्टिलाइज़ करें तो कभी भी स्टेम के आसपास फर्टिलाइज़ ना करें बल्कि स्टेम से थोड़ा सा दूरी पर एक रिंग टाइप का गड्ढा आप बनाएं, उसमें कंपोस्ट और NPK आप ऐड करते जाएँ। और फर्टिलाइज़र का अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्टिलाइज़र कम से कम हर 3 महीने में एक बार इसको वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट आप जरूर दीजिए। एक 2 इंच का गहरा गड्ढा और 2 इंच का चौड़ा गड्ढा आप खोदिए, उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भरिए और उसको ग्राउंड से कवर कर दीजिए। इसके अंदर आप एक चम्मच जो है NPK भी आप ऐड कर सकते हैं हर 3 महीने में एक बार। इसके अलावा इस प्लांट को और किसी तरह का फर्टिलाइज़र आप मत दीजिए, सिर्फ इसको वर्मी कंपोस्ट और NPK हर 3 महीने में एक बार अगर जितना मैंने बताया उतनी क्वांटिटी में देंगे तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर इसकी वाटरिंग की अगर हम बात करें तो इस प्लांट को थोड़ा सा इसकी सोइल जो है वेट रहे, इस तरह की वाटरिंग आप कीजिए, लेकिन कभी भी इसकी जो सोइल है वो सोगी ना हो। अगर इसकी सोगी सोइल रहती तो इसकी रूट्स और जो स्टेम जो है उसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं और इसका रूट जो है वो सड़ जाती है। अगर इसकी रूट सड़ेंगी तो फिर ये प्लांट जो है धीरे धीरे डेड हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, कम से कम जब ग्राउंड में या पोट में भी अगर है तो 2 इंच ऊपर की जो सोइल की लेयर है वो पूरा पूरा सूख जाए तभी आप इसके अंदर नेक्स्ट वाटरिंग कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, इस प्लांट को कोई और ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इस प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट लगते हैं। आप इस वीडियो में जो काफ़ी सारे लीव्स देख रहे होंगे जो डैमेज दिख रहे हैं वो बर्ड्स होते हैं, जो इसके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी शाइनी होते हैं तो वो बर्ड्स आके इनके लीव्स को डैमेज करती है, बाकी इंसेक्ट वगैरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। पर आप चाहे तो इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं महीने में एक बार प्रिवेंटेटिव मेजर के तौर पर। तो बस इतना ही है दोस्तों, इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है। आज का वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, धन्यवाद।